Let's welcome a new tripod in our family. It's an amazing, amazing machine. WT3520. कमाल की मशीन है. आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी कीजिएगा. अच्छा क्राउड इसकी एडजस्टमेंट है. ये यूज़ होती है इसका एरिया छोटा बड़ा करने के लिए और इसको स्क्रू दिया गया है. इसको हम टाइट करके फिक्स कर सकते हैं ताकि बार बार लूज और मतलब स्टेबल रहे. यार इसके साथ स्पेशल होल्डिंग है, इसको हम इससे पकड़ के आगे पीछे मूव कर सकते हैं इसको, ना कि इसके लेग्स को यूज़ करें. अच्छा क्राउड के साथ ये जो हमें स्क्रू दिया गया है इसको हम लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे ताकि हम इसको फिक्स कर सकें. इसकी हाइट फिक्स करने के लिए हम इसको लेफ़्ट की तरफ पहले मूव करना होगा और इसके साथ ये जो हमें एक स्क्रू और एक हैंडल टाइप से दिया हो इसको अगर हम रोटेट करेंगे तो इसको हम उसको इसकी हाइट एडजस्ट कर सकते हैं हम इसे इस चीज़ से. इसके बाद इसके स्क्रू को हम क्लॉकवाइज पोजीशन में रोटेट करेंगे ताकि इसको हम स्टेबलाइज कर लें. अच्छा जी क्राउड अगर हम बात करें इसके अपर बॉडी की, इसके हेड की, तो हम इसके साथ दो स्क्रू दिए जाते हैं. जो उसका लेफ़्ट स्क्रू है ये यूज़ होता है इसको हम जिसके जब मूव हो रहा है अगर हम इसको टाइट कर देंगे, इसको हम अप से डाउनवर्ड्स मूव करेंगे तो ये टाइट हो जाएगा, इसको हम मूव नहीं कर सकते. लेकिन अगर हम इसको डाउनवर्ड से अपवर्ड मूव करेंगे तो ये एज अ फ्रीली हम इसको मूव कर सकते हैं. इसको अपने हिसाब से हम इसको मूवमेंट दे सकते हैं, इसको एक स्मूथ मूवमेंट. और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस इसकी मूवमेंट देख के, इसको मूव करके एक जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड्स. अगर हमने कैमरा को स्ट्रेट रखना है तो इसके लिए हमें ये लेवल दिया गया है. अगर हम उसको लेवल को सेट करना पहले बता मुश्किल लग रहा था लेकिन एक टाइम पर आके ये हो गया और क्या कहते हैं ये हमें एक स्ट्रेट सेटिस्फेक्शन देगा था कि हमारा कैमरा स्ट्रेट है कि नहीं. अच्छा क्राउड अगर हम बात करें इस पार्ट की तो अगर हम इसको राइट की तरफ करेंगे तो ये हमारे ऊपर से जो एडजस्टमेंट है ये अलग हो जाएगी. इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि एक दफ़ा एडजस्ट होना है और जो इसके नीचे स्क्रू लगा है आपने इसको रोटेट करना है, ना कि जो ऊपर आप होल्डिंग लगाओगे उसको. और इसके साथ क्या कहते हैं ये मतलब उतार नहीं सकते आप इसको, पहले आप नीचे से स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करोगे और क्लॉकवाइज अगर आपने करना है तो आप उसको टाइट करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो आप उसको फ्री कर लेंगे. तो आपने इसको मूव नहीं करना और अगर आपने इसको अनलॉक करना है तो आप उसको निचली रोटेशन को जो एक पेच दिया हो, एक नट दिया हो, एक स्क्रू दिया हो, आप उसको मूव करेंगे. अच्छा इसको वापस एडजस्ट करने के लिए इसको पहले प्रेस करेंगे और फिर इसको लॉक करेंगे. अगर प्रेस नहीं करेंगे तो ये बंद नहीं होगा. अच्छा क्राउड यार इसका जो ये स्क्रू है इसको हम यूज़ करते हैं इस वक्त ये लैंडस्केप मोड में है. अगर इसको हम पोर्ट्रेट मोड में करना चाहते हैं तो हम इसको लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे और फिर ये पोर्ट्रेट मोड में हो जाएगा ताकि आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब शॉर्ट्स को शूट करने के लिए हम ये वाला फॉर्मेट यूज़ करते हैं. अगर आपने यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो शूट करनी है तो आप उसको एज अ वापस रिवर्स कर देंगे जिस फॉर्म में पहले था, लैंडस्केप मोड में आ जाएगा. दोनों तरह से वीडियो बना सकते हैं, कोई आपको छूट दी गई, पूरी आपको फैसिलिटी दी गई इनकी तरफ से कि आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और एक ड्यूरेबल चीज़ है. अच्छा क्राउड इसकी जो सबसे ख़ास बात मुझे लगी ना वो ये है कि इसको हम बिल्कुल एज अ फ्रीली 360 एंगल पे हम इसको मूव कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है. यार इतनी ड्यूरेबल चीज़ है लिटरली, यार इट्स वैल्यू फॉर मनी. और मैं कहता हूँ मज़ा आ चीज़ यूज़ करके. अगर आपका मोबाइल स्टेबलेशन सपोर्ट नहीं करता यू मे गो फॉर दिस. मैं इसके आगे प्राइसिंग वगैरह जहाँ से लिए मैं लगा दूँगा. जिसने अब तक वीडियो को लाइक किया और चैनल को सब्सक्राइब भी किया प्लीज़ कर दें क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगी है वीडियो बनाने में और पिछली अनबॉक्सिंग से मैंने इम्प्रूव किया है.
और मैं आजकल जिम का कंटेंट वगैरह पोस्ट कर रहा हूँ, मैं वीडियो के लास्ट पे लगा दूंगा, उसको भी लाजमी देखिएगा एंड यू विल मस्ट एंजॉय दैट।